हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो भी वैकेंसीज निकली हैं और जो भी पोस्ट निकली हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट हैं जिसमें 35 साल भी एज लिमिट है और 18 से लेकर 25 साल भी एज लिमिट है। तो दोस्तों अगर आपकी एज 30 के आसपास है, अगर आपको कल को आप गवर्नमेंट सेक्टर में देखना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप 18 साल से 25 साल के बीच में आपकी एज है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में हम लगभग 7 पोस्ट के बारे में बात करेंगे। रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन सी चाहिए वो भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो ये वैकेंसीज हैं ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से हैं और इसमें दोस्तों बहुत सारी पोस्ट हैं, और दोस्तों इसमें क्या क्या एज लिमिट है वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों इसमें दो जॉब्स ऐसी भी हैं जिसमें एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ सीट्स रिजर्व्ड हैं, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जो हमारे पास पहली पोस्ट है वो साइंटिस्ट की है। इसमें 56,100 से लेके 177,500 तक है, पे मैट्रिक्स है इसका, इसके बीच में वेरी करता है। और इसमें जो दोस्तों एससी के लिए जो रिजर्वेशन है वो 2 सीट्स का है, एसटी के लिए जो रिजर्वेशन है वो 1 सीट का है, ओबीसी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 और अनरिजर्व के लिए 4, टोटल 13 सीट्स हैं। और 35 इसमें 35 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। फिर दोस्तों बात करते हैं अगले जॉब की, तो वो है जूनियर साइंटिस्ट की। और इसमें दोस्तों जो लेवल है, पे लेवल है वो 35,400 से लेके 112,400 तक है। इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, सिर्फ ईडब्ल्यूएस को 1 सीट रिजर्व्ड है और अनरिजर्व्ड 1 है, टोटल 2 ही सीट्स हैं, और 30 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि साइंटिस्ट और जो जूनियर साइंटिस्ट है इसके लिए बीटेक ज़रूरी है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें जिनके लिए नॉर्मल ग्रेजुएशन भी चल जाएगी, आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की हो, किसी किसी जो जो पोस्ट है उसके लिए कोई स्पेशल डिग्री चाहिए, कोई प्रोफेशनल डिग्री चाहिए, लेकिन जो बाकी जॉब्स हैं उनके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं अगर आपने किसी और सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की हुई है। तो उसके बाद दोस्तों देखते हैं अगला है दोस्तों यहाँ पे हमारा सीनियर टेक्नीशियन का। सीनियर टेक्नीशियन में दोस्तों 35,400 से है 112,400 तक, और इसमें हमारे पास रिजर्वेशन है 1 सीट का, जो ओबीसी का 1 सीट का रिजर्वेशन है, साथ ही साथ 5 इसमें अनरिजर्व के लिए हैं। 30 साल तक हमें एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, 30 साल के बाद इसका आप फॉर्म नहीं भर सकते। उसके बाद दोस्तों आता है अगला डेटा एंट्री ऑपरेटर का। डेटा एंट्री ऑपरेटर में भी रिजर्वेशन कुछ इसी प्रकार है, ओबीसी को 1 सीट है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कोई इसमें रिजर्वेशन नहीं, ना ही एसटी के लिए है ना ही एसटी के लिए है, और 2 ही इसमें सीट्स हैं। इसकी जो एज लिमिट है दोस्तों वो 18 से लेकर 25 साल के बीच है। जूनियर टेक्नीशियन की दोस्तों जो पोस्ट है उसमें 25,500 से लेकर 81,100 तक इसमें हमारे पास पे लेवल है, और 2 ही सीट्स हैं इसमें, कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 25 साल है। फिर दोस्तों लोअर डिवीजन क्लर्क है, इसके लिए 19,900 से लेकर 63,200 तक है, और दोस्तों इसमें 13 सीट्स हैं, जिसमें से एससी को 2 है, एसटी को 1 है, ओबीसी को 3 है, और अनरिजर्व के लिए 6 सीट्स रिजर्व्ड है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1 है, और 13 इसमें सीट्स हैं, और इसमें भी दोस्तों जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच ही चाहिए। फिर दोस्तों अटेंडेंट कहा जाता है, इसमें 18,000 से लेकर 56,900 तक का पे लेवल इसमें वेरी करता है। दोस्तों इसमें कुल 3 ही सीट्स हैं, जिसमें से ओबीसी के पास 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट रिजर्व्ड है। इसका भी दोस्तों एज क्राइटेरिया वही है, 18 साल से 25 साल के बीच में। अब दोस्तों बात आती है एक्स सर्विसमैन लोगों के लिए, तो जो 7 पोस्ट हैं जूनियर लैब असिस्टेंट में से, उसमें से 3 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के रिजर्व है। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 1 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के रिजर्व है और 1-1 पोस्ट फिजिकली चैलेंज के लिए रिजर्व है। दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की वो 25 में है। चलिए दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले हम साइंटिस्ट के लिए जो जॉब है उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं। एसेंशियल डिग्री है दोस्तों वो बैचलर इन इंजीनियरिंग बीई या फिर बीटेक होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और सिविल और केमिकल, अगर इन्वायरमेंटल सिविल और केमिकल इंजीनियरिंग से है तो उसके लिए 10 पोस्ट है, मैकेनिकल वालों के लिए 1 पोस्ट है और माइनिंग के लिए 1 पोस्ट है।
प्रेफरेंस उसको दी जाएगी दोस्तों जिसके पास मास्टर्स डिग्री होगी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। उसके बाद दोस्तों अगली बात करते हैं, वो है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की। इसमें दोस्तों जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है और एक्सपीरियंस मांगा गया है उसके लिए दोस्तों एक डिग्री होनी चाहिए साइंस में और 4 साल का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रेफर उसको किया जाएगा दोस्तों जिसने पोल्यूशन कंट्रोल या फिर उससे रिलेटेड जो इतने भी जॉब्स होती हैं उसमें काम किया गया होगा, और दोस्तों प्रेफरेंस उसको भी दी जाएगी जिसके पास मास्टर्स डिग्री होगी साइंस में। फिर दोस्तों बात आती है सीनियर टेक्नीशियन की। दोस्तों इसमें 6 पोस्ट है जैसे कि मैंने आपको बताया, और दोस्तों इसमें चाहिए डिप्लोमा, और डिप्लोमा अगर मैकेनिकल में हो तो उसके लिए 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 पोस्ट है, और जो प्रेफरेंस जिसको दी जाएगी उसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, मतलब सीनियर टेक्नीशियन के ही कोई उससे रिलेटेड फील्ड हो या फिर टेक्नीशियन कोई कोई फील्ड हो, 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो और भी अच्छा है। उसके बाद दोस्तों जो अगला है वो है डेटा एंट्री ऑपरेटर का। इसमें दोस्तों जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है 12th पास। उसके बाद दोस्तों अगला है जूनियर टेक्नीशियन का। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों वो सिर्फ 10th क्लास मांगी गई है, साथ ही साथ ITI अगर आपने की हुई है मैकेनिकल ट्रेड में तो वो भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। फिर 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का जहाँ पे आपने टेक्नीशियन के रूप में काम किया। उसके बाद दोस्तों अगला है जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट का। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 12th पास मांगी गई है, और डिग्री भी मांगी गई है दोस्तों इसमें साइंस में डिग्री होगी, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, डिजायरेबल है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर है दोस्तों लोअर डिवीजन क्लर्क का। इसमें दोस्तों जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो सिर्फ बैचलर डिग्री मांगी गई है, और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। फिर दोस्तों अगली बात करते हैं वो है अटेंडेंट की। दोस्तों ये 3 पोस्ट है इसमें, और जिसका मांगा गया है अटेंडेंट का वो दोस्तों देखिए 8th स्टैंडर्ड पास, 8th स्टैंडर्ड पास भी इसमें चलेगा, लेकिन जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो 10th क्लास पास को दी जाएगी। और दोस्तों इसमें जितनी भी सारी बातें दी गई हैं इसको आप इस नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं, ये नोटिफिकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन दोस्तों जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी कितनी सीट्स हैं क्या क्या हैं वो सब मैंने आपको दे दी है, ये पूरी जॉब से रिलेटेड बातें हैं। और दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए आप जा सकते हैं CPCB की वेबसाइट पर। दोस्तों ये पूरी इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे लगा आपको बतानी चाहिए, और ये जनरल इंस्ट्रक्शन से इनको आप पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन से। वैसे आई थिंक आप सबको ये बातें पता ही होंगी क्योंकि ज़्यादातर जितनी भी जॉब्स होती हैं उनमें ये बातें सेम ही होती हैं, सिमिलर होती हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा इनको। दोस्तों ये थी वो बातें जो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्या पता किसी व्यक्ति को इसकी ज़रूरत हो, वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो और उनके लिए वीडियो बेनिफिशियल हो जाए। दोस्तों लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में भी इस वीडियो चैनल पर आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।